हेलो फ्रेंड्स, गन्नू जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास रेडमी 9 प्रो का न्यू फ़ोन, जो कि मैंने अभी इसे एक दिन पहले ही परचेस किया है। मेरे फ्रेंड का फ़ोन है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं इसकी ईमेल आईडी क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। इसका अभी गूगल अकाउंट बना नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा, और जैसे आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे, आपको डाटा या फिर वाईफाई आपको कनेक्ट कराना होगा, जिससे कि नेट चले। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे साइनिंग का ऑप्शन दे रहा है, इस पर एक बार आपको क्लिक कर देना है। और जैसे इस पर एक बार आप क्लिक करेंगे, चेकिंग इन्फॉर्मेशन करके आपको आगे का स्टेप देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आपके पास पुरानी ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आइंदा अगर आपके पास आपको न्यू ईमेल आईडी बनाना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। और यहाँ पे फॉर माय चाइल्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आपको 18 साल से कम उम्र की ईमेल आईडी बनाना है तो आप फॉर माय चाइल्ड से बनाएंगे, या आपको 18 साल से ऊपर की ईमेल आईडी बनानी है तो फॉर माय सेल्फ से बनाएंगे। तो मैं फॉर माय सेल्फ पे क्लिक करूँगा, और जैसे फॉर माय सेल्फ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट नेम। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट नाम डालता हूँ, GNHY। जैसा कि आप देख रहे हैं, GNHY मैंने डाला, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा। और जैसे ही नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पे मैं डालता हूँ 10 जनवरी, पूरा डालता हूँ 2000। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पूरा 2000 डाला। यहाँ पे मेल, फीमेल, कस्टम, जो भी आप जिसकी भी आप ईमेल आईडी बनाते हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैं मेल का बनाना होता है, मैं मेल क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूँगा। जैसे फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, अपने आप चूज करने के लिए ईमेल आईडी दे रहा है। अगर आप फ़ोन नंबर, अपना फ़ोन नंबर अगर आप यूज करेंगे तो ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली बन जाएगी, या फिर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, GHAN, जैसा कि आप देख रहे हैं, HY, तो इस पर मैं एक बार क्लिक कर दूंगा, और यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे फ्रेंड्स नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पे मैं पासवर्ड मांगेगा, जो कि मुझे पासवर्ड डालना रहेगा, पासवर्ड और कन्फर्म दोनों करना रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं कन्फर्म करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कंफर्म पासवर्ड कर चुका हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा। जैसे ही नेक्स्ट करूँगा, आगे का स्टेप मांगा तो IM IN, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। और जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा मैं, और जैसे ही नेक्स्ट करूँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, आई एग्री पर मैं क्लिक कर दूँगा। और जैसे ही आई एग्री क्लिक करूँगा, गेटिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करूँगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा, मेरा ईमेल आईडी IM IN, मेरी ईमेल आईडी जो कि बन चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, मैक्स प्लेयर। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, और जैसा कि आप देख रहे हैं, इंस्टॉल में इस पर क्लिक करता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, प्ले स्टोर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, मैक्स प्लेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।